थैंक यू पापा इस खूबसूरत तोहफे के लिए, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं, जो हमें राह दिखाता है और हमेशा दिखाता रहेगा। अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम खुद को मजबूत बनाएंगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने से इस आयोजन की रौनक बढ़ गई। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। नौलखा जी, आप अपनी नई की बहू को विदा करिए पगफेरे के लिए। जी, आते रहिएगा। हाँ, खबरदार मुंह बनाए तो चुपचाप खाओ इसे। चलो। अभी मुझे भूख नहीं, आप ये प्लेट हटा लीजिए। झरझर वाली, इतने साल हो गए तुमको शादी को, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस घर में क्या क्या होता है। तुमने प्लेट हटाई कैसे? बड़को, झरझर वाली के पैर में दही जम गई, वो तो हिलेगी नहीं। लेट लगाओ समर की। जी। समर, टुटकी बहू कहाँ है? बहुत देर कर दी तैयार होने में। अरे तुम लोग खड़ी कहाँ हो, जाके देखो कि झटकी बहू कहाँ नहीं तैयार हुई अब तक। वो देखे सासू माँ, आ गई छुटकी देवरानी। अकेली काहे आ रही है? तुम दोनों उसे लेने काहे नहीं गई? जाओ लेके आओ उसे। जी जी सासू मां, मैं वो अम्मा, मैं जाकर भाभी को ले आती हूँ। देखो उसे। आइए भाभी, आराम। तुम दोनों बहू एक कब समझोगी इस घर की जिम्मेदारी? जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। झरझर वाली, छोटकी बहू का नाश्ता लगाओ। समर खाओ बेटा। लेकिन अम्मा मुझे भूख नहीं। दो कर उठा के मुंह जुठा रो, लेकिन खाओ। छुटकी बहू खाना सामने रखा हो और न खाया जाए तो उसे अन्नपूर्णा का अपमान कहते हैं। तुम्हारी अम्मा ने तुमको सिखाई नहीं ये बात? खाना खाओ। ठूस लो सिया रानी, क्योंकि जो आसार दिख रहे हैं ना, उसे लग तो नहीं रहा कि ई घर का अन्न तुम्हारे नसीब में बहुत दिन तक लिखा है।
मम्मी मम्मी, मुझे चाची के साथ बैठकर अपनी खीर खानी है। चाची चाची देखिए जरा, चाचू कैसे देख रहे हैं हमको। उन्हें भी हमने हाथ से खिला दीजिए ना। बेटा तुम खिला दो अपने चाचू को अपने हाथ से। ठीक है दादी। अरे सिया, क्या बात है? मायके जा रही हो ना, तो काहे ठीक से तैयार नहीं हुई? अब ऐसे जाओगी तो सब लोग देख के अटर पटर बोलेंगे ना। अब देखिए ना सासू माँ, कितना सुना सुना लग रहा है, नई दुल्हन तो लग ही नहीं रही है। कितने कम गहने पहने हैं, ई मौके पे तो सज धज के जाना चाहिए ना। बड़को एक काम करो, हमने तुमको शादी में एक जड़ाऊ हार दिया था ना, वो अपनी छोटकी देवरानी को लाके पहना। सज जाए सासू माँ, वो हार वो इस साड़ी पे नहीं फपेगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना सुना कर, अपनी बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ और जल्दी लेके आओ। चलो फिर, देर हो रही है तुम लोग। मुहूर्त शुरू होने से पहले तुम दोनों घर वापस आ जाना, और मुहूर्त शाम 6 बजे तक का है। उसके बाद घर में लक्ष्मी का आना ठीक नहीं होता है, भद्रा लग जाता है। ये हमारी तरफ से कुछ फल और मिठाइयाँ हैं तुम्हारे मायके वालों के लिए। अब जाओ जल्दी, वरना यहीं देर हो जाएगी। जियो जाग, सौभाग्यवती रहो।
लगता है वो लोग आ गए। अजी सुनते हैं, बिटिया आ गई। प्रभात, सिया आ गई, जल्दी आओ। अरे आइए पापा।